हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी खास वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग खास रेमेडी लाई हूँ कि आप किस तरीके से अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये हल्का सा नुस्खा बनाना है। आप जब नहाने जाए तब आपको ये नुस्खा इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपके जो बाल है वो इतनी तेजी से लंबे घने होंगे कि आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि आपके बाल किस तरीके से और कैसे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप कोई एक घंटा पहले अपने बालों में नुस्खे को नहीं लगा रहे हैं, बस आपको ये नहाते वक्त करना है और अपने बालों को बहुत तेजी से लंबा घना मोटा कर लेना है। फ्रेंड्स, आजकल व्यस्त जीवन शैली में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपने बालों के लिए कुछ स्पेशल सा कर पाए, जिससे कि हमारे बाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बेजान हो जाते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं वो ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जिससे कि जब उनको काटते हैं तो इतने बाल झड़ने लगते हैं जिन्हें देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में हम गंजे हो जाएंगे। तो हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मार्केट में तो हम कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं जिससे कि हमारे बाल फिर से लंबे घने मोटे हो जाएं। लेकिन उनको हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है, उनको हमें टाइम देना होता है जिससे कि हम उसको छोड़ देते हैं। तो आपको ये नुस्खा आज मैं लाई हूँ, ये इसीलिए ही लाई हूँ ताकि आप इसको आराम से कर पाए, उसके लिए आपको ज्यादा टाइम ना देना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि जब भी कोई आपके लिए नई वीडियो लाऊंगी तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इसको बनाने के लिए क्लीन बाउल लेना है और इसके अंदर आपको ये शैम्पू जो है एड कर देना है। फ्रेंड्स, आपको इसमें शैम्पू इतना लेना है कि आपके बालों में अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे मैं तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें एक पाउच पूरा ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसमें ऐड क्या करना है, तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे दूसरी चीज में जो सबसे मेन है वो ऐड करनी है, वो है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको काली कलौंजी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं काली कलौंजी इसमें पूरी ऐड नहीं करूंगी, इसका मैं पहले पाउडर बनाऊंगी तब जाके मैं इसको इसमें ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास काली कलौंजी नहीं है तो आप इसमें फ्रेंड्स आंवला पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसका पाउडर पहले से बना के रखा हुआ है। फ्रेंड्स, काली कलौंजी आपको किसी भी बाजार में जो मसाले बेचते हैं उनके पास या फिर आपको जनरल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक चम्मच आपको इसमें काली कलौंजी ऐड कर देनी है, देखिए इस तरीके से। और अब हम इसमें ऐड कर देना है एक चम्मच लेमन जूस। फ्रेंड्स, लेमन जूस से आपके सर पे जो रूसी है वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे वो है एग वाइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एग योक इस्तेमाल नहीं करना है, ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें सारी चीज डाल ली है तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आपको बनकर तैयार दिखेगा। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप इसको इस्तेमाल करने क्लीन प्लस शैम्पू का इस्तेमाल करें, आप किसी भी शैम्पू को ले सकते हैं जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स ये आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने बालों को अच्छे से खोल लीजिए, अगर बाल बंधे हुए हैं तो आप अपने बालों को खोलिए जिससे कि आप इसको अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगा पाए। उसके बाद आपको इसको लेना है इस तरीके से और इसको आपको अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद आपको अपनी फिंगर की सहायता से अपनी जड़ों पर ही हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। उसके बाद आपको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है इसको। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमने शैम्पू का इस्तेमाल किया है तो आप इसको अपने बालों में ज्यादा ना छोड़ें, सिर्फ 5 मिनट तक ही छोड़ें। उसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इसको रेमेडी को इसी तरह से इस्तेमाल करिएगा और अपने बालों को हमेशा के लिए लंबा घना मोटा और मजबूत बनाइएगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने लेमन का इस्तेमाल किया है। लेमन का इस्तेमाल करने से आपके जो बाल में जो रूसी है खुजली है रेडनेस है वो सब खत्म हो जाएगी और आपके बाल बहुत तेज से लंबे होने लगेंगे। और इसके अंदर फ्रेंड्स हमने काली कलौंजी का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, काली कलौंजी के इस्तेमाल से हमारे जो बाल होते हैं वो जड़ से काले होते हैं और हमारे बाल बहुत ही तेज से लंबे होते हैं और हमारे बालों की जड़ें वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप काली कलौंजी का इस्तेमाल करने के साथ साथ आप काली कलौंजी का तेल भी अपने बालों में लगाया करें, इससे आपको डबल फायदा होगा और आपके बाल लंबे घने और लॉन्ग टाइम के लिए बहुत तेज से लंबे घने हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप नहा रहे हैं और नहाने के बाद आप अपने बालों को तुरंत काट लेते हैं तो आप ऐसा ना करें। आप अपने बालों को जब तक ना काटें जब तक कि आपके बाल अच्छे से सूख नहीं जाते, क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारे गीले होते हैं तो उसकी जड़ें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिससे कि अगर हम काटते हैं अपने बालों को तो वो बहुत ज्यादा टूटे हुए हमें कंघे पर मिलते हैं। तो अगर आप अपने बालों को सूखने के बाद काटते हैं तो आपकी वो जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तो
इससे आपके बाल ज्यादा टूटेंगे नहीं। और दूसरा फ्रेंड्स कि आप इस नुस्खे को बस तभी बनाएं जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करने जा रहे हो, यानी कि आप इसको घंटों भर पहले यानी कि एक दिन पहले ना बनाएं, इसको आप तभी बनाएं जब आप इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप ये आपको पसंद आएगी। तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी आपकी नई वीडियो लाऊंगी तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।